अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो आज हम बनाएंगे शादियों वाला ग्रीन चिकन कोरमा, जिसे प्रिपेयर किया था राजधानी केटर्स ने। ज़ैनब कुक हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। 1/4 आपको कप लेना है धनिया और 2 कैप्सिकम, ठीक है। इसे धो के अच्छे से सुखा के आपको ग्राइंड कर लेना है। इसका 3 प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस ये है, ओके। सेकेंड प्रोसेस है आपका, 3 ओनियन लेना है और 2 लार्ज टमाटो, कांदा और टमाटर इसे बॉईल करके आपको ग्राइंड कर लेना है, ओके। थर्ड जो प्रोसेस है वो है काजू कनी। तो आपको काजू का पेस्ट बना लेना है 3 टेबलस्पून। ये है लहसुन का पेस्ट, ये है अदरक का पेस्ट और ये है ग्रीन चिली का पेस्ट। तो गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून, जिंजर पेस्ट 1.5 टीस्पून और ग्रीन चिली का पेस्ट आपको 2 टेबलस्पून बाद में यूज़ करना है। तो पहले आपको यहाँ पे 1 किलो चिकन ले लेना है। ब्रेस्ट का पार्ट मत ले, थाइस का पार्ट ले, क्योंकि वो थोड़ा मॉइस्चर उसमें ज़्यादा होता है, जूसी होता है। इसे आप अच्छे से वॉश करके इसका पानी आप निकाल दीजिए कोई स्ट्रेनर में रख के। इसमें आपको हल्दी डाल देना है, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल के, सॉल्ट डाल के और 1 टीस्पून इसमें गार्लिक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से मिक्स करके आपको इसे डीप फ्राई कर लेना है, ठीक है। डीप फ्राई ही करना है, बाकी और कोई अदर ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वी आर मेकिंग केटरिंग स्टाइल ग्रीन चिकन कोरमा। मैंने आपको 1 किलो के हिसाब से बताया है, तो 1 किलो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिसाब लिखा हुआ है, सो यू कैन रेफर फ्रॉम दैट एंड आप बना सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम ज़ैनब कुक हाउस पर टैग कर सकते हैं, ओके। सो ये हो गया आपका फ्राई, जिसे हमने 100% किया है। अब आपको इसे कोरमा बनाना है। तो 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको 1 टीस्पून मिक्स खड़े गरम मसाले डालने हैं, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं खड़े गरम मसाले, आपको वही यूज़ करना है। तेज़पत्ता का हिसाब जो है 1 किलो में 2 बैठता है, ठीक है। तो 2 तेज़पत्ता आप उसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से भून लीजिए। ये है लहसुन का पेस्ट। तो लहसुन का पेस्ट मैंने आपको पहले बताया है, 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल के आप इसे अच्छे से भून लीजिए 20-30 सेकेंड्स तक। अब ये है हल्दी। तो हल्दी आपको लेस देन 1/2 टीस्पून लेना है, पूरा 1/2 टीस्पून भर के नहीं, थोड़ा सा ही डालना है हल्दी। उसको डालने के बाद आप अच्छे से भून लीजिए। धनिया और शिमला मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था ग्राइंड करके, वो आपको इसमें डाल के इसे अच्छे से भून लेना है अराउंड 4-5 मिनट, जब तक कि आपको तेल ना ऊपर दिखे। ये है अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। सो हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको डालना है, ऐसा नहीं कि एक साथ डाल के आप उसे भून रहे हैं। हर एक चीज़ का जो होता है मेजरमेंट और तरीका होता है, तो ज़रूर से फॉलो करें। ये है ग्रीन चिली का पेस्ट। तो ग्रीन चिली का पेस्ट मैंने आपको बताया है अराउंड 2 टेबलस्पून, बट आप 2.5 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। ये है नमक। नमक डालने के बाद आप इसे अच्छे से भून लीजिए। तो 3 प्रोसेस है, एक धनिया का पेस्ट, सेकंड है ओनियन का पेस्ट, थर्ड है काजू कनी का पेस्ट। तो काजू कनी 3 टेबलस्पून जब आप यूज़ करो तो फ्लेम जो है वो बहुत लो कर दो, ठीक है। लो फ्लेम करके आप उसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से भूने। इसका एक दरदरा टेक्सचर होने तक आपको इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है, पैन को बिल्कुल भी छोड़े मत, वरना वो चिपक जाएगा। उसके बाद जब आपको एक दरदरा टेक्सचर दिखे, उसके बाद आपको डालना है ओनियन एंड टमाटो का पेस्ट। मैंने 1 किलो के हिसाब से आपको बताया है, प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाला जो मेकिंग है कैसा लगा। ये है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ओके। तो जब आपका पूरा ग्रेवी बन जाए, उसमें लास्ट में आपको 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालना है और चलाते रहना है, रुकना नहीं है। जब तक आप इसमें पानी लास्ट में नहीं डालोगे, आपको नहीं रुकना है। 2 टेबलस्पून इसमें खमन डालना है। खमन इज़ नथिंग बट कोकोनट पाउडर। इससे ग्रेवी जो होता है वो थिक बनता है। 1/4 टीस्पून इसमें आपको डालना है कसूरी मेथी, ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स। सिर्फ 1/4 टीस्पून ही डालना है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, कोई भी आप गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा किचन किंग मसाला एवरेस्ट का, या फिर आप कोई भी जो अवेलेबल है आपके पास आप वो यूज़ कर लीजिए। अब ये है कलर, सो कलर यू कैन स्किप, और अगर आपको यूज़ करना है तो वॉश का यूज़ करें, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कलर्स। सो अगेन इंग्रेडिएंट डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइस, प्लीज़ आप वहाँ से रिफ़र करें। मैंने आपको बताया है 1 किलो के हिसाब से।
अब चिकन फ्राई जो किया था उसके ऊपर आप ग्रेवी डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी तक हमने इसे पानी नहीं डाला था, ठीक है। अब गया है पानी, तो पानी जो है वो आपको ज़्यादा नहीं डालना है। 1 किलो में आप अराउंड 1 ग्लास पानी डालें, 1 या 1.5 ग्लास बस। यह है कुटा धनिया पाउडर, ठीक है। धनिया को रोस्ट कर लो, उसके बाद कूट के इसमें डाल दीजिए आप। यह है टमाटो चिलीज, जिसे टमाटो रेड चिलीज भी कहा जाता है, आप उसका तड़का दे दीजिए। गाइस, अगर ज़ैनब कुक हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और मिलती हूँ नेक्स्ट मेकिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।